हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गरिमा नटखट किड्स। मैं गरिमा। क्या बात है, बड़ा मज़ेदार समय का आनंद लिया जा रहा है। दिल्ली पानी की वानी हो बारिश जाती होती है। है, क्या बात है। ऐसा तो हर बार होने लगा है, वाह वाह। पर आप सभी को मैं मजाक नहीं बना रही हूँ, पर क्या करें, हर चीज़ देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और न्यूज़ देखने के बाद ऐसा लगता है कि इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ अगर होने लगें तो कैसे। हर कोई हर चीज़ के लिए परेशान होता रहता है। कोई बात नहीं है, हमारे मेरी बातों से आप ये मत होइएगा कि इस तरीके से क्यों बोल रही है, ऐसा क्यों फैक्ट है है, जो सिर्फ मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और अच्छा तो ना लगे तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलूँगी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन बात यही है कि इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी दिल्ली हमेशा पानी पानी हो जाती है। बारिश इतनी पड़ती है, इतनी सी पड़ेगी तब भी पानी हो जाएगी, ज़्यादा पड़ेगी तब भी पानी हो जाएगी, फैक्ट यही रहता है। बाकी कैसे समय बीत रहा है, हर समय को एन्जॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस टाइम पर बहुत अच्छे से अच्छे समय को बिताने का सबसे आसान तरीका है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा एनकरेज करें, हर चीज़ के लिए एनकरेज करें। हाँ, कोई कुछ भी कर सकता है। आज हमारे घर में भी बहुत कुछ हुआ है, कुछ तो क्या रोज ही होता रहता है, बच्चे तो करते ही रहते हैं, वही छोटी छोटी चीज़ें खुशी दे देती हैं, और उन खुशी की को देखते हुए मन खुश रहता है कि हाँ अब खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा लगता है कि मस्ती करते रहो, बस हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश रहो, खुशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो फैमिली, हर किसी की एक प्रॉब्लम आनी अच्छी नहीं होती है, पर जब कहते हैं कि दुख आया है तो थोड़ा सा एन्जॉय आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, हर चीज़ का समय आएगा और आना भी चाहिए। क्या डांस करना, मस्ती करना, ये सब चीज़ें सबकी लाइफ में होनी चाहिए। हर कोई बच्चा, हर कोई बड़ा ये भी कहना चाहेगा कि भी मैं भी खुश रहूँ। परिवार खुश रहने के लिए, परिवार बनता क्यों है, परिवार इसीलिए बनता है खुश रहने के लिए। आज मस्ती हुई है, बढ़िया से डांस हुआ है, डांस करा है, गाना कोई भी हो पर डांस होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि उसे देख देख के मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गई कि बच्चों को डांस करना आता नहीं है, लेकिन कि कोई कोई बच्चा तो बहुत अच्छा डांस करता है, जिसको देखकर आपको लगेगा कि हाँ भाई इस बच्चे में बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन मेरे बच्चों में शायद टैलेंट नहीं है। मैं मानती हूँ नहीं है, कोई बात नहीं है, बच्चे का टैलेंट होना ज़रूरी थोड़ी है। और फिर जो टैलेंट वाले बच्चे होते हैं वो भगवान के लिए पहले से ही हो आ जाते हैं कि हाँ इनमें कुछ तो बात है। अब देखिए कैसे इतने सारे हीरो अभिनेता बन गए, अमिताभ बच्चन जी, जिनके लिए वो कहते थे कि मैं बहुत अच्छा एक्ट करना चाहता था लेकिन कुछ नहीं कर पाया, और आज वो किस मुकाम पर हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मैं सबसे ज़्यादा जो लाइक करती हूँ, मैं पुरानी मूवीज़ के ही हीरोज़ और हीरोइंस को लाइक करती हूँ, क्योंकि उनके अंदर जो फैक्ट था समझाने का, दिखाने का, करने का, वो शायद नई पीढ़ी को मैं भी नहीं समझ पाई हूँ। उनमें भी ये टैलेंट है लेकिन मैं नहीं समझ पाई हूँ। मेरे हिसाब से मैं उन्हीं को देखती हूँ ज़्यादातर, मैं पुरानी मूवी देखती हूँ। और कौन कौन मूवी देखना पसंद करता है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो मूवी देखना बहुत पसंद है। मैं डेली 2 मूवी 3 मूवी देख सकती हूँ अपना समय निकाल कर, पहले अपना वर्क उसके बाद मैं कोई काम करती हूँ, पर मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है। मैं मूवी देखती हूँ उसमें से टॉपिक लेकर, किसी भी चीज़ की को आप गंदा मत कहिए, गंदा नहीं कहना चाहिए क्योंकि कोई भी आपके लिए गंदा नहीं है। न्यूज़ गंदी नहीं है, सीरियल गंदे नहीं हैं, मूवीज़ गंदी नहीं है, किसी की बातें गंदी नहीं है, ये तो हम लोगों की सोच पर डिपेंड करता है। तो मैं वही करती हूँ कि मैं मूवी देखती हूँ और मूवी की हर एक टॉपिक को कि इससे मुझे कहाँ सीख मिल रही है, मैं इससे क्या सीख रही हूँ, वो चीज़ मैं सीखने की कोशिश करती हूँ। मेरे से ज़्यादा भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस तरीके का की बात करते होंगे, वो उसमें से कुछ हुनर लेते होंगे। हुनर लेना चाहिए, ये नहीं है कि आप पिक्चर देख ली और मैं कोई होम थिएटर पे जाने की वो नहीं कह रही हूँ, मैं कहीं पीवीआर पे जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, जहाँ अब तो जाने का है ही नहीं, अभी तो खुला हुआ है ही नहीं, लेकिन अगर आप घर पर भी बैठकर मूवी देख रहे हैं, ऑनलाइन मूवी देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसके टॉपिक को लीजिए,
उसमें आपको क्या समझाया गया है। समझने के बाद आप ये अप्लाई करने की कोशिश कीजिए कि क्या इसमें ये फैक्ट सही था या नहीं था, उस चीज़ को समझिए। कोशिश ये है कि आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, किसी भी बात को, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को आप गलत ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। कमी निकालना बहुत आसान है, बहुत, लेकिन उसे करके देखना बहुत मुश्किल है। कोई एक्टिंग कर रहा है, आप कोशिश करके देखिए, आप पर एक्टिंग नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसमें कमी निकाल लेते हैं कि उसने तो वो अच्छा नहीं किया, उसने तो वो अच्छा नहीं किया, कोशिश करके खुद देखिएगा कि एक एक्टर किस किस परेशानी से गुजरता है, और वो भी तो बड़ा मेहनत करता है। तो हर किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी बातें आपको ऐसी लग रही होंगी कि ये तो एक भाषण सा दे रही है। मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं आपसे अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, और शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है। मन में जो आ रहा है उसे ज़रूर करना चाहिए। अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप मेरे को देखेंगे, नहीं लग रहा है तो थोड़ा बहुत तो देखेंगे, और देखना भी चाहिए। तो आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि आज हमारे घर में कितना बढ़िया डांस हुआ है, और डांस देखकर खुश होना, मस्त होना और मज़े लेना। तो इसी के साथ मैं आपसे कहूंगी, वीडियो को लाइक बिल्कुल करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, डांस तो शुरू हो गया। बताना डांस कौन सा है। तो नहीं डालूंगी क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, पर आप इस डांस को ज़रूर देखकर बताइए क्या कर रहे हैं ये दोनों। इसको तो बस अपनी मस्ती करनी है। एकलव्य थोड़ा शाय है, वो डांस करने से थोड़ा सा घबराता है, बस बेचारा सोचता रहता है क्या करूं क्या नहीं करूं। कोई बात नहीं है, बच्चों को लगता ही है, कोशिश करते हैं। मत चले डांस कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइए गाना कौन सा है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।